सबसे पहले आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो सपना बिहार के नौजवानों ने, युवाओं ने देखा था, आज हर एक बिहारी युवा माननीय नीतीश कुमार जी को एक आशा, एक उम्मीद की किरण से देख रहा है। और सपना क्या देख रहा था, पढ़ाई लिखाई करता है लोग, डिग्री मिलता है, ट्रेनिंग करता है और आखिरकार रोजगार, नौकरी के तलाश में चप्पल घिस जाता है लेकिन मिलता नहीं। और ये रोजगार देने की लड़ाई और बेरोजगारी हटाने की लड़ाई हम लोगों की चल रही थी और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज जो हमारे भाइयों को, बहनों को नियुक्ति पत्र बांट करके जो कर्मचारी बनाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और सबको उम्मीद होता है कि भाई, माँ बाप को भी यही उम्मीद होता है कि बेटा को रोजगार लग जाए, बेटी को रोजगार लग जाए। इतना महंगाई है और इस तनाव के जीवन में लोग जीते हैं। तो आज आप लोगों को हम देख रहे थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे और जब हमारी बहनें जाकर के बैठी नियुक्ति पत्र लेकर के, इतना खुश लग रही थी, चेहरे पे मुस्कान आ गया। अब देखिए, हम लोगों की सरकार जो नई महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, ये आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान दिलाने के लिए बनी है। तो ये खिल सब लोग बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे, खुशी सबके चेहरे पे झलक रही थी। और हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हर 12-13 करोड़ बिहारी के चेहरे पर हम मुस्कान ला सके। तो आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इसकी शुरुआत जो है नौकरी और रोजगार देने की, राजस्व विभाग के जरिए ये शुरुआत हुई है। माननीय विभाग के मंत्री और हमारे अधिकारी ब्रजेश मल्होत्रा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, अमित सुभानी जी को भी धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी के सभी जो निजी स्टाफ हैं उनको भी बधाई देते हैं कि ये सिलसिला जो है चल पड़ा है, जो रुकने का नाम नहीं लेगा। अब ये हम लोगों को करते रहना है, लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। और आज देखिए 4-5 हज़ार के करीब जो है आप लोगों को नियुक्ति पत्र जो है लोगों को मिला है, ये सिलसिला जो है चल पड़ा है। लेकिन आज जब आप नौकरी में हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो जो खुशी सरकार ने आपके चेहरे पे लाने का काम किया, हम लोगों को उम्मीद है कि जो भी बिहार की जनता जो अपने काम के निष्पादन के लिए आप लोगों के पास जाएगी, ये खुशी और चेहरे पे मुस्कान दिलाने की जिम्मेवारी अब आप लोगों के कंधे पे। और ज़्यादा कुछ तो हम कहेंगे नहीं। आप बताइए, विभिन्न प्रकार के राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन जो कठिनाइयाँ थी, अब इसमें विभाग को बल मिलेगा, एक मैन पावर मिला, जल्द से जल्द निष्पादन होंगे सारी चीज़ों को। और बड़ी खुशी की बात है कि बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ डिजिटलाइज्ड राजस्व मैप की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत हुई है। तो आप सोचिए, जनता के प्रति हमारी इतनी जवाबदेही है कि नई नई तकनीक, टेक्नोलॉजी का भी हमारी सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है और हर एक बिंदुओं पर, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, हर एक डिपार्टमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, अभी तो नई नई सरकार बने, कई लोग नए मंत्री बने हैं, सब लोगों को बुला करके समीक्षा कर रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है, काम करना है। तो ये सारा काम जो है हो रहा है
और कुछ लोग जो हैं, अभी ये प्रेस मीडिया के साथी कह रहे थे कि भाई मुंह जो है काला नजर आता है, भाई लोग मशरूम खाने वाले लोग नहीं ना है। हाँ, और कुछ लोग तरह तरह का बयान दे रहे बाहर। बयान क्या क्या दे रहे हैं भाई, जो कोई काम नहीं किया, जिन्होंने बिहार का 2 साल बर्बाद किया। कुछ लोग वादा करते थे कि भाई हर साल 2 करोड़ देशवासियों को रोजगार देंगे, आज उन लोगों का सही मायने में मुंह काला हो गया होगा। ये बात लोगों को समझनी चाहिए। लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है कि भाई जो संकल्प, और ये हम लोगों ने वादा नहीं किया था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि रोजगार नौकरी हम देंगे और वो करके दिखा रहे हैं, ये हम लोगों का कोई वादा नहीं, प्रण था। इस प्रण को हम लोग पूरा कर रहे हैं, तो लोगों का तो मुंह कुछ लोगों का काला हो गया। और लोग नहीं बोलेगा कुछ, उन लोग में तो आपस में ही कॉम्पिटिशन है, करते रहे भाई कॉम्पिटिशन। और कुछ लोग इसीलिए ना इवेंट बना लेते हैं। अब बताइए, चीता बुलाया गया विदेश से, मतलब जो कमिटमेंट है भैया वो कीजिए। आप चीता बुला के इवेंट मैनेजमेंट करके कुछ मीडिया को मैनेज करके चेहरा लोग चमका रहे, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है ये चीता जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी बुलाया गया था। वो चीता जो है वो गुजरात में भी बुलाया गया था, और सारे चीते जो है मर गए। क्या हुआ उन चीतों का? अब कहा जा रहा है कि कोई चीता नहीं था तो फिर चीता बुलाया गया। ठीक है, ये सब काम जो है चलता रहता, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? देश में गरीबी है, बेबसी है, गुर्बत है, परेशानी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सारे इशू पे कोई काम नहीं कर रहा। अब बताइए, इतना कम संसाधन होने के नाते और इतनी बड़ी समस्या है हम लोगों की स्टेट में, बाढ़ है, सुखाड़ है, तरह तरह की चीजें हैं, फिर भी देखिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है क्या काम कर रहा है, एक्सेप्शनल। लेकिन कोई सहयोग नहीं मिलता हम लोगों को केंद्र से, बोझ जो है और पिछड़ा राज होने के नाते और डाल दिया जाता है। भाई हम लोगों को तो मांग था, सोचिए अगर हम लोगों को जो मुख्यमंत्री जी का मांग है कि भाई बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए या विशेष पैकेज मिल जाए, तो सोचिए कितना लोगों के लिए काम होगा, कितना आगे हमारा बिहार बढ़ेगा। लेकिन किन लोगों को कोई मतलब नहीं है, केवल है अपना चेहरा चमकाने का। तो हम लोग तो सोचिए दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं इनके नेतृत्व में, और हम लोग इतना ही कहेंगे कि आप सब लोग भी, अभी अमित सुभानी साहब जी ने कितना अच्छा सलाह दिया, भाई काठमांडू मत घूमिए, नहीं तो कहीं और घुमाने ले जाएगा लोग। अगर घूमिएगा काठमांडू तो कहीं भी जा सकते हैं, निगरानी से लेकर हर तरह तरह का जो है नजर लोग का रखा हुआ है। अरे तो नीतीश जी का है कि भाई भ्रष्टाचार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सब लोग, ये नई सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा, ये जो नई सरकार महागठबंधन की सरकार बनी है ये जनता की सरकार है, और जनता के लिए हम लोगों को काम करना है, और हम लोग इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अब ये सिलसिला जो है चल पड़ा है, अब देखिएगा आने वाले समय में धीरे 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 लाखों नौकरियां, रोजगार जो है माननीय नीतीश कुमार जी और महागठबंधन की सरकार बिहार के नौजवानों को देने का काम करेगी, उसमें युवतियां भी हैं, युवक भी हैं। तो हम इतना ही कहेंगे, और जो हमारे बिहार के नौजवान हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, सब काम हो रहा है, हर विभागों को निर्देशित जो है कर दिया गया है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारा काम जो है होने जा रहा है। जो हमारा कमिटमेंट, जो प्रण है, उसको हम लोग बखूबी ईमानदारी से
इस चीज को पूरा करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे और बिहार के लोगों के दुख दर्द को तकलीफ करेंगे। यही चंद शब्द कहते हुए एक बार पुनः हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। बड़ी खुशी हुई कि आज उन्होंने अपने हाथों से आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है, तो इसीलिए सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।